હેલો ફેમ, વેલકમ ટુ એચએનડી વ્લોગ્સ. જય શ્રી રામ. કેમ છો? કસા કાય? કેમો નાચી? તો આજ હમ આ ચુકે હમારી કેમ્પસ ટૂર કે લીએ સેટ. આજ હમ હમારી કેમ્પસ ટૂર કરાને વાલે, તો ચલિયે મેરે સાથ. કે હમારે પહેલે સ્ટોપ પે વો હે જેન્સન કોબ એનર્જી સેન્ટર. તો ગાઈઝ, યહાં પે સભી મેરા ફ્રેન્ડ જો દિનેશ હૈ વો યહાં પે સ્ટડી કરતા હૈ. યે હૈ પૂરી જગા. યહાં પે સબ કેમિકલ્સ કે રિલેટેડ સબ્જેક્ટ ઓર પેટ્રોલિયમ કે રિલેટેડ સબ્જેક્ટ સબ પઢાતે હૈ યે લોગ. तो गाइस, जब भी लंच का ब्रेक पड़ता है सब लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं. और कॉफ़ी के लिए भी यहाँ पे स्टारबक्स और सबवे का भी ऑप्शन है. सो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन. सो गाइस, अभी मैं आपको मेरा बेस्ट व्यू दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं यूजुअली ब्रेक में बैठ के पढ़ता हूँ. आप पागल हो जाएंगे. जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, दैट्स ग्रेट. तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारा सेकंड स्टॉप पे, वो है हेरिटेज हॉल. वो है, हम उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टेन ग्रेट सेंटर. हेरिटेज हॉल ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हॉल में ये हॉल बहुत पुराना है. लाइक प्रीवियस व्लॉग में हमने बोला था, 1921 में ये बिल्डिंग बनी थी, इसलिए इसको हेरिटेज हॉल बोलते हैं. और लेट्स गो. सभी स्पोर्ट्स में हमारी टीम बहुत ही आगे है, आगे खेल रही है. सभी टीम में #1 #2 आते हैं कैलगरी में और वो लोग बाहर भी जाते हैं एडमंटन और वोसाइक खेलने. तो गाइस, मैं दिखाता हूँ ये आपको. ये टी शर्ट है $122 की, मतलब अप्रोक्स इंडिया के होते हैं 5,000-6,000. और इसका मटेरियल इतना अच्छा है, आपको आपके बॉडी में थोड़ा भी इरिटेशन नहीं होता. We'll be right back.
हम सेठ लाइब्रेरी आ चुके हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस हम लाइब्रेरी में आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पे लाइब्रेरी के भी तीन स्टेजेस है। ये हम जहाँ पे है वहाँ पे हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, और जो इसके भी अंडरग्राउंड एक लाइब्रेरी है नीचे लाइब्रेरी बेस, उसमें हम थोड़ी भी बात नहीं कर सकते, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। मतलब हम वहाँ पे कैमरा भी नहीं ले जा सकते, इसलिए हम वहाँ पे नहीं दिखा सकते। बाकी यहाँ पे पूरी हमारी लाइब्रेरी है और यहाँ पे हम पूरे किसी को भी कुछ भी रिसर्च करना है या कुछ भी बोरो करना है, लैपटॉप पेन बुक कुछ भी, वहाँ पे सब ये लोग फैसिलिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिनेश को लैपटॉप लेना है फॉर एक दिन के लिए, तो वो पूरा दिन लैपटॉप ले सकते। मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर करता हूँ और हमारे बिल्डिंग में टोटल 10 से ज़्यादा फ्लोर है, और ये हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो आप देख सकते हो ऊपर तक, बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंग है। तो मेरी बिल्डिंग में क्या क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी वाइब आती है, स्ट्रेंजर थिंग्स में भी ऐसे ही घर वो है, फ्लोर्स और बिल्डिंग्स बेहतरीन वाइब है, बहुत बेहतरीन। और गाइस यहाँ पे हमारे कॉलेज के बहुत मतलब जो इवेंट्स होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेलोवीन आ रहा है, तो हेलोवीन के इवेंट्स है, बहुत सारे ऐसे बहुत बहुत सारे इवेंट्स है, तो यहाँ पे नोटिस लिखते हैं वो लोग। और ये हमारे क्लासरूम से, ये अभी तो क्लासरूम्स लॉक है मतलब आप देख नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत दिखे। मंडे को स्नो गिरने वाली है और इट्स आर फर्स्ट स्नो, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, और आपको भी दिखाएंगे कैसे है, कैसा स्नो गिरता है, कैलगरी में कितना स्नो गिरता है, क्या होता है। और भाई जब हम ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ई स्पोर्ट्स दिखाते हैं।
तो हमारा स्पोर्ट्स रूम है यहाँ पे। तो गाइस इंडिया में भी अभी स्पोर्ट्स बहुत ग्रो हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे बहुत ही ग्रो है स्पोर्ट्स। यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गेम भी खेलते हैं, वैलोरेंट हो गया, बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं, प्लस कंप्यूटर गेम्स भी खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमारा फुटबॉल ग्राउंड सॉकर ग्राउंड आ गया। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पे वो मेरी सैनिटरी बिल्डिंग है जो मैंने आपको बोला, और ये जो रास्ता जा रहा है सीधा वो जिम का तो रास्ता है, आपने पहले व्लॉग में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा वो व्लॉग में तो पहले वो व्लॉग देख लीजिए। और ये जो बिल्डिंग है ये पूरी करीनरी आर्ट्स और टूरिज्म की बिल्डिंग है, यहाँ पर सब मास्टर सब रेडी होते हैं और हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ये रास्ते में हमारे कॉलेज में एक एरिया है जहाँ पर पूरा गार्बेज और वो सब प्लास्टिक रिसाइकल होता है, तो ये रास्ता उधर ही जाता है। और जो सामने आप देख रहे हो ग्लास वाली बिल्डिंग, वो ग्लास वाली बिल्डिंग में हमारे मेन सारे ऑफिसर और प्रोफेसर्स जो होते हैं वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर उनके ऑफिस भी हैं। और वो साइड से भी अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट वो साइड पढ़ता है डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट से जो आ रहा है वो लोग की एंट्रेंस वो साइड होगी। ऐसे ही करके हमारे यहाँ पे चार डायरेक्शन की 4x4 एंट्रेंस है। तो चलो लेट्स सी, आगे वो आपको एरिया दिखाता हूँ गार्बेज और रिसाइकलिंग। और यहाँ पे एक ही बिल्डिंग में चार एंट्रेंस से हम मोर देन 4 हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे भी और आपने वहाँ पे देखा था। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, आप देख सकते हो इतना लंबा है, सबसे बड़ा इन साइज या नॉट इन हाइट, हाइट में सबसे बड़ा हैनिल का बिल्डिंग है। ये साइकिल स्टैंड है, अब यूजुअली आपको पता ही होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं हमें। सुकून तब मिलता है जब ठंड में आप टिम हॉर्टन्स की हॉट फ्रेंच वनीला पीते हो, सच में इतना सुकून आपको गर्लफ्रेंड मिलने पे भी नहीं होगा। सो गाइस मैं जानता नहीं हूँ हनिल ने आपको परफेक्टली बोला कि नहीं, लेकिन ये है यहाँ का हॉस्टल, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं पर रूम। यहाँ पे हमें यूजुअली 800 रेंट है इसका पर मंथ। और ये बिल्डिंग जो आप देख सकते हो ये बिल्डिंग है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, और जो पूरा प्लेन बनाते हैं, और यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर प्लेन के लाइव एग्जांपल्स भी है। और अभी रिसेंटली कैनेडियन कैलगरी यहाँ पे अल्बर्टा गवर्नमेंट लगती है, कनाडा का ही है, लेकिन अल्बर्टा गवर्नमेंट ने अभी दो नए जो टॉप हेलीकॉप्टर्स है उसको यहाँ पे भेजा है, जो स्टूडेंट पढ़ते उसका पूरा मैकेनिक समझते कि कैसे बनाना। इसलिए ये बिल्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी दिखाएंगे अगर चांस मिला तो अंदर जाने का। आज थोड़ा लेट हो रहा है सो मुझे नहीं लगता हम अंदर जा पाएंगे, लेकिन चलो अभी हम जिम की ओर जाते हैं। और बीच में हम ये दिखा देते हैं कि वो जो हैनल बोल रहा था जो ये नीचे वाला है या वो पूरा रिसाइकलिंग और रिसाइकलिंग वाला है
या दिस वन हमारे कॉलेज बाहर नहीं बेचती गार्बेज, खुद के कैंपस में ही गार्बेज पूरा रिसाइकल करके यूज़ कर दी। ये बैक साइड है हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग का, मतलब इसमें जो हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग तो खाने के लिए ये रखा है होटल। ये होटल का नाम है द हाईवुड, और कभी ना कभी आज के स्टूडेंट जो खाना बनाते हैं वो यहाँ पे यूज होता है। और हाँ, ये जो ट्रक है ब्लैक, व्हाई यू चूज दिस मॉन्स्टर ट्रक? Because I drive over people with it. Oh, yeah, boy. Take care. Thank you. Hello, so we met one of our friends. I don't know her name because she is unknown for me. So let's get some basic introduction from herself. I'm Lucy Clement. Okay, so we're gonna learn which course she is studying in SAIT. So which course you are studying? I'm taking the business administration program. Okay, you are enjoying that? It's good so far. Or what do you think, it's hard for you? So far so good. It's just the first year, so they don't like put too much pressure on everyone, so. Oh yeah, and she is from Calgary, so she can get give us little information about the snow. So what do you think, how we can get ready for the first snow? For the first snow? Yeah. Dress extremely warm, layers, so many layers, so many layers. Okay. And what you love most in SAIT? What you love about the campus? It's very beautiful. It's a very beautiful it's campus. Beautiful, right? Yeah. Compared to other colleges. So we want to say thank you for his time. Oh, sorry. Thank you for her time. And I hope she enjoyed that too, right? Come on. Yeah. Oh. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. So yeah, it's really sunny day and we got our best friend whom we meet in gym. So now Ko will introduce a little bit about himself. So yeah, just introduce yourself. So basically my name is Khoa. Yeah. And I'm from Vietnam. I have been live in Canada like for 4 years. And yeah, I used to live in British Columbia. Now I move here and live here like for 1 year. Okay. Right now currently I attends in petroleum technology. You are studying petroleum, right? Yeah. Yeah. So basically we are in the same building. Yeah, the same building. We meet. I'm in the first semester and this guy is senior for me. So yeah. Basically like that. So do you have any other question about me? I have one question. Like now I'm gonna ask him what's the schedule for the day. He's very tight with his schedule and yeah. So just tell me your basic schedule for the day. Just normal weekdays? So usually I make my own plan for like every week. Yeah. So every week I have different plan. But mostly it is about like training, go to the gym and go to class. And then try to apply some part-time job. Yeah. Yeah, so that's the basic life of international student like me, right? Yeah. But you know what? Ko is really strict with the gym schedules. Even he always motivated us to come gym every day. Even we discuss. Oh, really? Yeah. Even he motivate us. And usually you are not able to see his muscles right now. But he have good sense of humor and the sense of dress. He always look like hero in the campus. And lots of girls wander around him. Right? No, that's a lie, okay. So currently, Ko is going gym, right? You're going gym, right? Yeah, I'm going to the gym. And I'm gonna take those guys both with me, okay? Of course we're gonna join him. Stay hard. Shoot vlog first. Yeah, I'm gonna shoot vlog first, right? So you love SAIT? You love SAIT College? Pardon? You love SAIT College, campus?
You like that? Do I love it? Yeah. Yeah, actually I love Save, man. Because it's very nice. The building is very like structural and beautiful and organized. Yeah. I mean, I used to live in BC and I attend a university. Oh, okay. And that place kind of awful than this place. So it's better. Okay. Yeah. So I love it. You know, I love it. I love the people here. I love the officer here. So, yeah. Okay. So now we're going to end our session. Desiram is a really holy name. And we pray our God. So yeah, just say Jai Sri Ram. Okay, you guys. Jai Sri Ram. Yeah. Jai Sri Ram. Okay, you guys. Thank you so much, Ko, for your time. So guys, yahan pe hamara campus tour khatam hota hai. Aur ek baat, agar video end karne se pehle aur ek baat bol raha hu. Agar aapko kuch vlog mein pasand nahi aa raha hai, to aap apne hamare comment section mein feedback de sakte hai. To hum hamare agle vlog mein wo eliminate kar denge. Aur aapko jo pasand aa raha hai, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं. और आपको कौन से कंटेंट पे इंफॉर्मेशन चाहिए या कौन से टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप हमें बोलिए, तो हम वो टॉपिक को ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, ज़्यादा कंटेंट लाएंगे वो टॉपिक के ऊपर. और लास्ट वन, बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर.